नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली की जनता अदद साफ हवा के लिए तरस गई है। बुधवार को भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में रहा। दिल्ली में AQI 346 दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर ने यह जानकारी दी है। वायु प्रदूषण में गिरावट और थोड़ी साफ हवा के लिए दिल्ली वासियों को कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। सफर के सुबह 6:30 बजे के अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के कुछ क्षेत्रों जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूसा, लोदी रोड, मथुरा रोड, IIT दिल्ली और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सफर के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मॉडरेट, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। सफर ने अपने एक बयान में कहा कि आज का AQI दिखाता है कि हवा बेहद खराब है। 16 दिसंबर के बाद से हवा की क्वालिटी सुधर सकती है और 17 तारीख से तेज हवा के कारण अहम सुधार होने की संभावना है। सिर्फ दिल्ली ही खराब हवा से बेहाल नहीं है, बल्कि NCR इलाकों में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब देखी गई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।